Thank you.
ओके सोची, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो एंड हाउ आर यू माय ऑडियंस, वेलकम बैक नजर इसके ब्लॉग में। यार आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वीडियो ख़त्म होने वाली है और मैं इंट्रो कर रहा हूँ। चलो खैर हो गया, तो सलाम हो गई। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। बहुत धूप है इधर, तो अंदर चल के बात करते हैं अपने आज की ट्रैवल, अपने आज की राइड के बारे में। हम लोग बैठे हैं नुमाइश चुने की, हम लोग उधर कायदा में मजा स्टेशन शुरू होते हैं, वहाँ से हमने टिकट वगैरह लिया, आपने देखा होगा। तो सीन कुछ ये हुआ कि मैं वहाँ पे मस्त, हमने शूट किया, मैंने मतलब कि जितना मैं कर सका मैंने किया, क्योंकि साथ में फैमिली वाले भी थे, तो जितना मैं कर सका मैंने किया। टिकट वगैरह मैंने वहाँ से ली, हम लोगों ने मैंने उनको दिखाया, स्कैन किया हमने। अच्छा, शुरू में बहुत मसला होता था कि हम लोग स्कैन करने जाते थे तो आपके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो खड़े होते थे वो आपको स्कैन करें। शुरू में तो हमको आता नहीं था, ये भी एक नई चीज़ इजाद हुई कराची में ग्रीन लाइन बस, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा नया तो जाहिर सी बात है हर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यार मैं यहाँ पे, हम लोगों ने मस्त ब्लॉग बनाया, आपने देखा पूरा सफर देखा। अच्छा, मैं ग्रीन लाइन के बेनिफिट्स बता दूँ आपको। तो ज़्यादातर नुमाइश से लेके इधर 4K से आगे जितनी भी जगह है, मतलब लास्ट इसका स्टॉप मेरे को नहीं पता, हम लोग ने यहाँ उतर, इसके बाद करीमी चुनौती हम लोग उतरे, स्टॉप था इसका, उसके बाद आगे दो स्टॉप और है शायद, मतलब कि अच्छा खासा लंबा सफर है। लेकिन ये जो बस बाय आई इसका मैंने जहाँ तक अपना 5-6 दफ़ा मैं इससे पहले भी ट्रैवल कर चुका, जो कि हमारे इधर आना होता है, हमारा वहाँ से इधर तक चलो के बहुत लंबा सफर है। ये है कि इस ग्रीन लाइन बस से बहुत आसानी हो गई है कि एक तो एयर कंडीशन पर से कि लंबा रास्ता आपको पता ही नहीं लगता कब जिक जुक 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 करके आ जाती है। मैंने एक चीज़ देखी कि इस बस में जैसे हमारी नॉर्मल बस होती है, जैसे कि वनडी ले लो, एक्सटेन ले लो, और मतलब इसमें बहुत सारी होती है, सब में तो मतलब कह लो कि 10,000-20,000 सीटें होती हैं आराम से, उसमें तो मतलब कह लो कि पूरा खानदान आपके बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बस बनाई है इसमें ये है कि इस बस में यार खड़े होने की ज्यादा, मतलब कह लो कि हर 2 सेकंड के बाद में देखा होगा रो 420, हर कोई थोड़ी देर के बाद जो है वो मतलब स्टेशन से आ रहे थे, मतलब कि हाँ यहाँ मतलब उतर जाओ। तो ज्यादातर इन लोगों ने ये बनाया कि दिमाग में रख के कि यार मतलब लोग आएंगे, छोटे छोटे स्टेशन है, लोग एक एक स्टेशन के लिए चढ़ेंगे और उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों को ऐसे होता है पैसा वसूल करना है, तो लोग जो है वो आते हैं और लंबे सफर तो बैठ जाते हैं। अभी तो मैंने मतलब आपको दिखाया नहीं कुछ, आज इतना दिन के टाइम पे जब हम लोग आए दोपहर के 1-2 बज रहे थे, हम लोग 12:30 घर से निकले थे और यहाँ पे पहुँचते 1-1.5 बज गए इस दफ़ा। तो अभी जब अभी तो रश नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे रश हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो कि जॉब वगैरह से अपने करके इस तरफ आते हैं 4K चुरंगी वगैरह की तरफ, तो फिर रश हो जाता है। तो कोने में ये कि मतलब खड़े होने की बहुत जगह, मतलब बहुत लंबा सफर हो जाता है। तो मैंने भी काफ़ी दफ़ा ऐसे खड़े होकर मैंने जो है वो ट्रैवल किया बस में, लेकिन ये कि चलो एक आसानी भी, एक अच्छा चलो एक स्पेस वाली जगह है, और एक कह लो कि एक नया चीज़ है कराची में, पाकिस्तान में, कि मतलब कि बाहर मुल्क में बैठे हो, जैसे कि दुबई वगैरह, पूरा US लंदन वाला सीन लगता है इस बस में बैठ के आपको। और एक बात और कहनी थी मेरे को ज़रूरी, देखो मेरा आज दिल था कि मैं वीडियो बनाऊँ ट्रैवल का इसका, लेकिन हुआ ये कि हम लोग वहाँ से तो प्रॉपर, मैंने आपको देखा होगा कि टिकट्स लिए मैंने, फिर जाकर टिकट स्कैन किए, वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। अगर मैं वीडियो बना रहा था तो वो बोल देते कि भाई यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि मैंने यहाँ पे आप यूट्यूब पर सर्च करो ग्रीन लाइन, इतने सारे ब्लॉगर्स ने ये वीडियो यहाँ पे शूट किए ना कि मैं आपको क्या भी बताऊँ, पूरा भरा पड़ा हुआ। और यार अभी इतना ब्लॉगिंग कंटेंट इतना वायरल हो गया ना पाकिस्तान में भी कि हर कोई बना रहा है आजकल, और कोई मना नहीं करता वीडियो बनाने से। लेकिन हुआ ये सीन आते हुए मेरे साथ, यहाँ पे जो करीमी चुरंगी जो 4K के आगे वाले जो स्टॉप पे जो खड़ा है ना क्रू, उनको बात करने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। मतलब कह लो कि मैं वीडियो बना रहा था अपने, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसमें थोड़ी सी आवाज़ आई, हालांकि जब उन्होंने मना किया तब मैंने उसी साथ से मैंने जो है कैमरे का बटन ऑफ कर दिया था, मैंने कैमरा बंद कर दिया था, जो करने बोल ओए बंद करो कैमरा, मैंने बोला चलो ठीक है कर देते यार बंद, भाई ऐसे बोल रहे हैं मुझे उंगली दिखा रहे, नहीं बना सकते भाई क्या हो गया, चलो मैंने बोला ठीक है यार मैं फैमिली के साथ था, मैं क्या ही बोलता हूँ। और वैसे भी यहाँ का क्रू मेरे को लगा कि उनको बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, पीछे से आवाज़ें मारो ओए ओए करके। अच्छा यार क्या हो गया, मतलब बंदा फैमिली के साथ है आप ऐसे मतलब एक तरीके से चिल्ला के बोल रहे हो, मतलब क्या इंप्रेशन पड़ते यार। मैंने बस यही बोला था उनको कि यार थोड़ा सा अपने लहजे में थोड़ा सा तमीज़ रखें, कि आप दूसरे बंदे को बोल रहे हो तो उसको प्यार से बोलते, वो बंदा प्यार से समझ जाएगा, प्यार की बोली जानवर भी समझते हैं, आप थोड़ा आराम से बोलेंगे तो समझ जाए बंदा क्या। चलो अगर नहीं रिकॉर्ड कर कोई भी, अगर चलो सिक्योरिटी इशू ले लो कि अगर होली के वैसे था नहीं, क्योंकि मैं नुमाइश से मैं जो है वो रिकॉर्ड करते वाला था, क्योंकि वहाँ पर किसी ने मना नहीं किया, मैंने ग्रीन लाइन बस के अंदर भी शूट किया और सब लोग कहते यार पता नहीं वो नया क्रू था कौन था, लेकिन उनको बात करने के बिल्कुल तमीज़ नहीं थी, मैं फैमिली के साथ रखी, मेरे को पीछे से ओए ओए करके चिल्ला रहे, कोई बात होती है कोई तमीज़ होती है। खैर अगर देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लहजे का अपना जो है वो गौर करो उस पर, और ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बुरी बात। तो और बस यहाँ पे हम लोग आए हैं, आज धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है कि देख सकते हो मेरा पूरा फेस चमक रहा है, उफ़ बहुत गर्मी है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे लाल बटन नीचे ये वाला होगा उसको दबा दो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे कर दो,
पापड़ वाले को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो अपनी नोटिफिकेशन आ सके। फूड वीडियोस और बहुत सारे व्लॉग्स पीछे भी पड़े हैं, प्ले लिस्ट हैं, सब है, ईजी व्लॉग सब है। अगर हो मेरे को और देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जाकर देख लो, एंड स्क्रीन में प्ले लिस्ट लगाई हुई है और वीडियोस देखो, एंजॉय करो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, भाई को दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। बहुत धूप है, घर में रहो। और हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जिस तरह से 88 यूज़र है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, जाकर इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करो और वीडियोस और वहाँ पे अपडेट्स इससे पहले आते, स्टोरीज वगैरह आ रही होती हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। बस ये बोला था, बहुत धूप यार, जा रहा हूँ यार, बस अल्लाह हाफिज़।